कृष्णा को संगीत का बहुत शौक था। वो हर शाम को गिटार बजाकर संगीत का अभ्यास करता था। जब वो अपने नए फ्लैट में रहने गया, तब हर रोज की तरह गिटार लेकर संगीत का अभ्यास कर रहा था। इतने में उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, पर उसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देता है और गिटार बजाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसे प्यास लगी तो वो गिटार को साइड में रखकर किचन में पानी पीने गया और तभी उसको गिटार बजने की आवाज सुनाई दी। उसने हॉल में जाकर देखा पर वहां कोई नहीं दिखा। फिर उसने गिटार को एक जगह रखा और अपने बेडरूम में सोने चला गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो फिर से गिटार की आवाज आने लगी, पर जब उसने उठकर देखा तो आवाज आनी बंद हो गई और आसपास नजर घुमाई तो वहां कोई नजर नहीं आया, इसलिए वो फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आनी शुरू हो गई तो वो फिर से उठ गया। तभी उसने देखा कि हॉल की लाइट शुरू बंद हो रही है। वो हिम्मत करके हॉल की तरफ जाने लगा और जैसे ही हॉल में पहुंचा तो लाइट एकदम से बंद हो गई और आवाज भी आनी बंद हो गई। पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया और सिर्फ कृष्णा की धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी अचानक से गिटार की तेज आवाज आने लगी और लाइटें भी शुरू बंद होने लगी। तेज आवाज की वजह से कृष्णा ने अपने कान बंद कर दिए। तभी कृष्णा को ब्लैक जैकेट पहने कोई दिखाई दिया जो गिटार बजा रहा था, पर अंधेरे की वजह से कृष्णा को उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। कृष्णा ने उससे डरते हुए पूछा कि वो कौन है, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और गिटार बजाना बंद कर दिया और कृष्णा की तरफ देखा, फिर एक अजीब सी मुस्कान की और गायब हो गया। यह देख कृष्णा बहुत ही डर गया। तभी वो कृष्णा के सामने आकर खड़ा हो गया और पास में पड़े टेबल पर रखी हुई मूर्ति अपने आप उड़ने लगी और कृष्णा के सर पर जा लगी। कृष्णा बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया और जब कृष्णा की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेड पर ही सोया था और उसके सर पर भी कोई चोट नहीं लगी थी। उसने बाहर हॉल में जाकर देखा तो वहां मूर्ति भी अपनी जगह पर ही रखी हुई थी। इतने में डोरबेल बजती है और कृष्णा दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां किसी ने एक पार्सल रखा हुआ था। वो पार्सल लेकर अंदर जाता है और उसे खुलकर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें वही जैकेट था जो पिछली रात उस लड़के ने पहन रखा था। दोस्तों, कृष्णा के साथ जो हुआ वो कोई सपना था या हकीकत थी, कमेंट में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।